was gonna rip this hard out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from there for. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. Oh, bro, guess the fuck me. Hard the air. Lifetime deep pension mangda hai nahi mari janani wanguni sare mai to attention mangda hai nahi bina gallon vich auna chaunde sade rival de ni haar diye janna na compare kare sade rival de ni haar diye janna na compare kare sade rival de ni haar diye up, I'm the one that you call. I just do this for the love, I don't do this for the bag. They said meet me at the top, I looked around like where y'all at. Pardon if I laugh, fuck you if you mad. I could lose everything and still double what you have. Cause I been watching all my moves and they copying my style. They say they really ain't, but I know they in denial. Yeah, I'm sitting at the top and I know it's been a while. नमस्कार दोस्तों, जीनियस जीप मॉडिफिकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक नया क्रिएशन आपके लिए लेके आए हैं, वो है महिंद्रा का CJ3B, और जो कि हमने विंटेज कैटेगरी में एक हंटर जीप के टाइप में बनाया है दोस्तों। और पूरा उसको हंटर जैसे जंगल में ये गाड़ी आपको रखना होता है, वैसा गाड़ी शिकार के लिए जैसे रखना होता है वैसा गाड़ी हमने आपको एक बना के दिखाया है दोस्तों। तो वो आपको हम दिखा रहे हैं गाड़ी, तो वो गाड़ी है आपके सामने। तो दोस्तों, इसके ऑर्डर के बारे में और ओनर के बारे में डिटेल देता हूँ थोड़ी सी। ऑर्डर जी हमें गुजरात से, जो अहमदाबाद के पास गांधीनगर से जो हमें प्लेस हुआ था। और ये गाड़ी हम 1400 किलोमीटर के आसपास हम बाय रोड ड्राइव करके यहाँ पे डिलीवरी के लिए लेके आए हैं दोस्तों। और जिसमें हम जो हमारा सफ़र था बहुत अच्छा रहा दोस्तों, और गाड़ी बारिश में भी चली, बारिश में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, और गाड़ी के परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। और जिसका एवरेज है वो हमें 15 प्लस मिला है दोस्तों, और विद एसी मिला है, और एसी भी है गाड़ी, और फोर व्हील ड्राइव है गाड़ी, बेसिकली सारा कुछ है इसमें। और इंजन जो है महिंद्रा का CRD इंजन है दोस्तों।
और इसकी फ्रंट से मैं आपको डिटेल शुरू से बताता हूँ दोस्तों। फ्रंट हमने इसका बिल्कुल जो सिंपल रखा है दोस्तों, बिल्कुल जैसे आर्मी लुक आता है और आर्मी की एक्सेसरीज इसमें ब्लैकआउट लाइट, ये इसके ऊपर के रिंग सेफ्टी जो रिंग होते हैं वो इसमें लगे हुए हैं। हेडलाइट इसमें HD हमने यूज़ की हैं और ऑरेंज कलर के जो इंडिकेटर हैं दोस्तों। एक फ्रंट पे हमने एक जैक जो उनकी डिमांड पे जो एक फिक्स किया है दोस्तों, और दो जो है हिचिस जो डी शैकल जो इसको बोल देते हैं जो कुंडे हैं वो हमने इसमें लगा दिए दोस्तों। नीचे नंबर प्लेट है और गाड़ी पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच है और गाड़ी AC भी है दोस्तों। और साइड में वही इंडिकेटर और ये एक ब्लैकआउट लैंप और आ गया मडगार्ड वाला। और ये लाइटें हमने स्पेशल जो ग्रिल के साथ लगाई हैं दोस्तों, ये जंगल में शिकार करने के लिए लगाई हैं ताकि जंगल में जो कोई पेड़ पौधा इसके ऊपर आए और कांच ना फूटे इसका, ये सेफ्टी के लिए हमने इसके ऊपर दिया है। और ऊपर हमने दो जो वाइपर दे दिए हैं दोस्तों और फोल्डिंग ग्लास इसमें दे दिया गया दोस्तों। और बोनट के ऊपर हमने दो बड़े ओल्ड टाइप के ओल्ड मॉडल के जो वुडन के जो गुटके हैं वो हमने इसमें लगा दिए दोस्तों। और ऊपर एक जो है डैशबोर्ड पे एक ओरिजिनल टाइप में एक डंडा जो हमने इसके ऊपर दे दिया दोस्तों। गाड़ी AC है, गाड़ी में हमने साइड डोर दिए हैं और नीचे बेलचा है और एक वाटर कैन है दोस्तों। और पीछे एक टेलीफोन का हमने जो है शो ऑफ के लिए ये एक बॉक्स लगा दिया दोस्तों। और पीछे एक इंडिकेटर है और पीछे का मैं आपको सारा दिखाता हूँ दोस्तों। अंदर से आए तो दोस्तों गाड़ी आप देख सकते हो, बहुत ही हमने इसका जो जो इंटीरियर है बहुत ही लग्जरी किया दोस्तों। एक कार की तरह अंदर से इसको पूरा लग्जरी बनाया दोस्तों। अंदर से डबल शेड में इसको यूज़ किया है और ब्राउन शेड जो इसका टोटल सारा है, हुड का भी ब्राउन शेड है और सीट्स का भी ब्राउन शेड है और मैटिंग का भी जो है ब्राउन शेड है दोस्तों। और अंदर का जो हमने इंटीरियर यूज़ किया वो भी ब्राउन शेड का दोस्तों। और इसके डैशबोर्ड में हम अगर देखते हैं तो इसके डैशबोर्ड में हम देखते हैं तो 5 मीटर इसमें दिए गए हैं। इसके डैशबोर्ड में हम देखते हैं तो 5 मीटर और नीचे AC का कॉइल, ऊपर 2 मीटर लाइट दी गई है और साइड में टूल बॉक्स है दोस्तों। और ऊपर एक जो है ग्रेव हैंडल दिया गया है दोस्तों। गाड़ी का थोड़ा सा आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। CRD गाड़ी जो कैसे स्टार्ट होती है वो दिखाते हैं आपको। ये इसका स्टार्टिंग साउंड है दोस्तों गाड़ी का। वीडियो में आप गाड़ी का साउंड चेक कर सकते हो। और मैं गाड़ी के पास जाता हूँ, ये फ्रंट का साउंड है, ये यहाँ का साउंड आप देखिए, ये फ्रंट का जो साउंड है दोस्तों। और ये जो है हम पीछे आ जाते हैं तो ये पीछे आ जाते हैं तो पीछे का साउंड है। और यहाँ पे देख सकते हो आप साइलेंसर की आवाज़ कितनी प्यारी आवाज़ है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो। और बाकी इसमें गाड़ी में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हो एक पैसे की वाइब्रेशन नहीं है इसमें। यहाँ से देख सकते हो ये हुड का जो है कुछ पता नहीं चल रहा, बहुत मुश्किल से आप जज कर पाओगे वीडियो में कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, कोई भी चीज़ इसकी वाइब्रेट नहीं कर रही है, आप देख सकते हो पूरी की पूरी गाड़ी को। और बैक में हम बताएं तो एक हमने एंटीना इसमें लगा दिया है सबसे पहले, और जेरिकन इसमें दे दिया है, और बैक डोर विलेज के साथ दिया है हमने इसमें। नीचे एक हुक और प्लेट दिया है इसमें, और ओरिजिनल आर्मी के टेल लैंप दिए हैं, और ये बैगर की लाइट है, और ये 2 बिंदी से लाइट हमने पीछे इसमें दी है दोस्तों। और ये बैक गियर पे कर हमने बड़ा लाइट दे दिया, जंगल में आप गाड़ी को बैक करते हो तो आपको पूरा विज़न क्लियर हो पीछे का। और साइड में हमने स्टेप नहीं दे दिया है। उसके बाद आगे आते हैं तो दोस्तों इसका टायर साइज जो है वो 7/16 का है, और ये नॉर्मल 6/16 MR का टायर से बड़ा है, हिंदुस्तान कंपनी का टायर होता दोस्तों। और ये टायर ओरिजिनल नहीं होता, ये एक मतलब देसी कंपनी है, और MRF से इसकी लाइफ कम होती है, तो ये टायर बस ओनली साइज के लिए बड़ा है, अच्छा लगता है गाड़ी में, इसलिए ये टायर उनकी डिमांड के ऊपर डाला गया दोस्तों। तो साइड में आपको इस साइड में आपको नॉर्मल मगरार के ऊपर एक टूल बॉक्स और एक जो केलन आपको मिल जाता है, और ये मतलब टोटली ही ओरिजिनल आर्मी की एक्सेसरी के साथ लैस है गाड़ी, और फुल इसमें एक्सेसरी यूज़ की हुई है। और गाड़ी का कलर जो है वो आप कलर की शाइनिंग देख सकते हो। गाड़ी को मैं बंद करूँगा, साउंड आपने पूरा प्रॉपर चेक कर लिया होगा, अब गाड़ी को बंद कर रहा हूँ।
तो अब गाड़ी को बंद करने के बाद मैं आपको इसके कलर के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। और ये लाइट ब्लू कलर इसमें हमने यूज़ किया है उनकी डिमांड पे, जैसी उनकी डिमांड थी। और पूरा टूके के शाइनिंग के साथ ये कलर है। कैमरा मैन को बोलूँ मैं पास से आपको कलर दिखाया जाए, कलर दिखाई जाए, पूरी शाइनिंग के साथ ये टूके कलर है दोस्तों। और प्लेन कलर है, ग्लॉसी कलर जिसे बोल देते हैं हम, पूरी फुल शाइनिंग के साथ ये कलर हमने किया है प्रॉपर। और बहुत अच्छा जो मैचिंग हमने इसको दिया है ब्राउन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों। ये इंजन है दोस्तों, और इंजन में हमने थर्माकूल दे दिया, बोनट भी आपका बोनट गर्म ना हो। और वहाँ पे हमने डैम्पिंग शीट का यूज़ किया है दोस्तों। ब्रेक बूस्टर क्लच बूस्टर इसके नए हैं बिल्कुल, इंजन भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, बैटरी भी नया है, और रेडिएटर भी इसमें बिल्कुल हमने नया यूज़ किया है दोस्तों। तो इसकी हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया दोस्तों बनाने के लिए। और इसका अल्टरनेटर सेल्फ और जो एसी का कंप्रेशर है ये भी हमने इसमें बिल्कुल फ्रेश यूज़ किया दोस्तों। तो दोस्तों क्वालिटी वाइज काम आपका किया जाता है गाड़ी का, पैसे ज़रूर ज़्यादा लगते हैं पर एक अच्छी चीज़ बन के सामने आती है, अच्छी परफॉर्मेंस उसकी सामने आती है आपके, और आपको कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी चलाने में। कहीं पर भी ले जाओ आप 1000, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर गाड़ी को जो आराम से चला सकते हो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी पूरा अच्छा लगा होगा और गाड़ी के बारे में पूरा पता चल गया होगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और आने वाले समय में आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब जो गाड़ी के हम ओनर को गाड़ी की चाबी देना चाहेंगे और उनका रिव्यू ज़रूर लेंगे, उनका ओपिनियन क्या है हमारे काम के बारे में, कैसा उनको हमारा काम लगा, कैसा सिस्टम रहा सारा, और सारा हमसे पूछते हैं, ये बातचीत करते हैं। तो निमेश वाला जी को हम गाड़ी की चाबियां सौंपने जा रहे हैं और उनको बहुत सारी बधाइयां देने जा रहे हैं उनकी पूरी फैमिली को। आइए सर जी, बहुत बहुत बधाई हो सर जी आपको, और आपको पूरे परिवार को बहुत बधाइयां हो। गाड़ी आपको एक नए मोड़ पे लेके जाए, नई ज़िंदगी दे, आपको नई तरक्की बख्शे, और भगवान आपको ऊपर बहुत ऊपर लेके जाए काम में आपके, और आप हमारी गाड़ी की वजह से आप बहुत ऊपर जाओ। तो दोस्तों ये है निमेश वाला जी, और आइए इनसे जानते हैं हम जो गाड़ी का जो काम हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, और कैसा इनको महसूस हुआ आज तक का, जब से ऑर्डर बुक हुआ और आज तक इन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या समझा, और ये सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं। ये बताएंगे अब हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में, और हमारी गाड़ी के बारे में भी, कैसा गाड़ी बना है। पहले तो मैंने पहले 6 महीने तो मैंने पूरे मंडी डबवाली में जहाँ जहाँ जो भी काम होता है जीपों का, उनका सब सर्वे किया यूट्यूब के मार्फत से ही सब देखा, और इनका भी मैं बराबर रेगुलर देखता रहता था। तो 6 महीने बाद मुझे 6 महीने 1 साल के बाद फिर मैंने उनका कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद भी एक दो महीने हमारी बातचीत चली, और उसके बाद मैंने 4 महीने पहले ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे एग्जैक्ट ये जो आप देख रहे हैं अभी कि भाई मुझे सीधी जीप चाहिए, और M2DI CR यानी कि CRDI इंजन उसमें चाहिए, 4x4 चाहिए, और मतलब कहने का कि मेरा जो भी रिक्वायरमेंट था उन्होंने समझा, पूरा बातचीत हुआ, एसेसरी का सब हुआ, और उन्होंने फिर ये काम स्टार्ट किया। तो पूरा वीडियो उन्होंने डालते रहते थे बराबर यूट्यूब में, मैं देखता रहता था, और आज ये गाड़ी मुझे मिला है। तो मैं 50-60 किलोमीटर अभी मैं चला चुका हूँ, तो एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, मेरी हाइट 6 फुट है, मैं फिर भी आराम से एकदम कंफर्टेबली ड्राइव कर सकता हूँ। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा था और वो कुछ बाकी रह गया हो। तो आप जब भी जीप बनानी है आप इनसे ही बनवाएं, क्योंकि 5-7 लाख 10 लाख वो तो आप जो भी जितना भी कहेंगे उतना गाड़ी आपको एसेसरी डाल के देंगे, बजट का तो वो आपके ऊपर होता है कि आपको क्या क्या इसमें करवाना है गाड़ी में, लेकिन ओवरऑल गाड़ी
जो आप कहेंगे उनसे दो कदम आगे होगी। थैंक यू जी, अच्छा इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए निवेश बालाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेनली जो क्वेश्चंस रहते हैं कस्टमर्स के भी, गाड़ी तो के बारे में आपने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपने सारा जवाब दे दिया है। और मतलब भी एक जो आप शॉर्ट में बताएं या डिटेल में मत बताएं, ये बात मैं आपके से बात पूछना चाहता हूँ भी, कोई भी बंदा भी पैसा लगाना चाहता गाड़ी के ऊपर और वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकता है और कैसे, मतलब आपका ट्रस्ट बना था अच्छे से, वो डिटेल में वो जो बात ज़रूर करनी है आपको भी, कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं और क्या उनको मिलेगा, ये एक बड़े अच्छे प्रकार से आप समझा दें सबको। मैंने जब ये ऑर्डर प्लेस किया तो टेलीफोनी की बात हुई, टेलीफोनी की जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो मैंने उनको बता दी और टेलीफोनिक की जो पार्ट पेमेंट है वो भी मैं उनको भेजता रहा। मैं एक बार भी वहाँ नहीं गया और मेरे गाड़ी ये आपके सामने है, जो मैंने कहा था उससे भी अच्छा, मुझे मैंने जो सोचा था उससे भी अच्छा गाड़ी ये बन के आज मेरे पास आ गया है। तो मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं गया था, मान लो आपके पास टाइम है तो आप जाओ वहाँ बैठ के, अगर आप फेस टू फेस बात कर लो, समझ लो, आपको गाड़ी भी दिखाएंगे, अगर कोई अंडर प्रोजेक्ट है बन रही है तो ज़्यादा आप ये अपनी जो चॉइस है वो टाइम लेके बता पाओगे। कुल मिला के फुली ट्रस्ट अगर आपको किसी पे मंडी डबवाली में काम अगर गाड़ी बनवानी है तो मेरे ख्याल में इनसे अच्छा कोई कंपनी नहीं है, जीनियस जीप मॉडिफिकेशन। ये दो साल में मेरा तो गाड़ी अभी आ गई, फिर भी मैं सर्च करता रहता हूँ कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, कैसे किया, इतनी डिटेल वाइज काम आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, मैंने देखा नहीं अभी भी। तो कंपनी से आया हो ऐसा ही गाड़ी कंप्लीट करके मेरे पास आ गया है और ये ही एकमात्र ऐसे है कि उनके जो पुराने कस्टमर हैं उनकी गाड़ी जाके वो रिव्यू करते हैं कि भाई कैसा है, क्या है, आपको कैसा लगा, गाड़ी दो साल हो गई, तीन साल हो गए, चार साल, ऐसा कंपनी वाले भी आके नहीं कहते। अगर आप 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी भी लेंगे तो वो 1-2 साल आपको फॉलोअप करेंगे, बाकी इनको कोई मतलब नहीं रहता। तो इससे अच्छा रिव्यू ऐसा जैसा मैंने आपको बताया ऐसा रिव्यू कोई नहीं करता। एक बार जीप अपनी सेल आउट हो गई, बात खत्म। तो मैंने आज तक ऐसा काम और ऐसा फीडबैक के या यूँ कहे कि आफ्टर सेल सर्विस जिसको बोलते हैं कि कोई पूछा नहीं करता। तो एक हमने एक स्टिकर लगाया है इसके ऊपर टीम VHP का सर जी, उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे भी वो स्टिकर हमने क्यों लगाया, क्योंकि बिना मतलब के हमारी जीप के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होती। जी जी, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए भी, लोगों को जानना चाह रहे हैं भी वो स्टिकर क्यों लगाया हमने, कि क्या बेस है उसका लगाने का, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, तो आप ज़रा उसके बारे में डिटेल में बताइए ये क्या चीज़ है और क्या होता है इसका और आप क्या रिलेशन रखते हैं इस चीज़ से। ये जो टीम BHP है उसमें ऑल ओवर इंडिया के कम मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार तो सिर्फ जीपें होंगी इसमें, बलेरो से लेके थार से लेके ओल्ड न्यू विलेज सभी तरह की जीपें इसमें आ जाती है। ये जो टीम BHP है उसमें वो लोग बातें करते रहते हैं कि इस जीप में ये लगाना है तो इसका क्या बेनिफिट रहेगा, एक इंजन के साथ एक गियर बॉक्स लगेगा नहीं लगेगा, ये इंजन कितना चलता है, ऑफ रोडिंग के लिए कौन सा क्राउन पिनियन वगैरह वगैरह, टेक्निकल सब चीज़ें होती रहती है ये टीम BHP में। तो वो स्टिकर हमने इसलिए लगाया है कि ये जो जीप है उसका पूरा रिव्यू हम ये टीम BHP में
अपलोड करेंगे, डिटेल प्रोवाइड करेंगे उनको, ताकि बाकी जो लोग जीप बना रहे हैं, ये बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो उनको ये हेल्पफुल रहेगा कि हमने जो इसमें कॉम्बिनेशन किया है ऑफ रोड और टॉर्क पावर सबको जो कॉम्बिनेशन करके एक फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट जो मैंने सोचा था और इन्होंने बना के दे दिया है, तो वो ये टीम BHP है, उसका स्टिकर हमने ये लगाया है। तो एक ये टीम BHP का स्टिकर है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख सकते हो और ऑनलाइन इसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो और इसके बारे में जान सकते हो आप। और हम इस टीम BHP के साथ हम जुड़ चुके हैं आज से, जीनियस जीप मॉडिफिकेशन का नाम जुड़ चुका है। तो सर से हम ये पूछना चाहेंगे भी मतलब क्या, मतलब हम टीम BHP का जो क्वेश्चन था हमारे लिए, जो हमारे लिए एक टास्क था, जो भी आप सोच रहे थे, जो अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं 10-12 या जितने भी आप मेन टीम मेंबर हैं आप टीम BHP में, तो क्या उनके हिसाब से हम सक्सेसफुल हो पाए हैं या नहीं हो पाए, या कहां तक हमारी पहुंच बन चुकी है, कहां तक हम जा रहे हैं, कहां तक हम जा सकते हैं, वो थोड़ा सा आप अपनी सोच के मुताबिक हमें बता सकते हैं। जी, पहली तो ये बात थी कि M2DI CR इंजन, यानी कि आप CRDI उसको बोले, उसके साथ 5-speed 520 गियर बॉक्स और 944 क्राउन पिनियन, ये जो सब कॉम्बिनेशन था टेक्निकल, और ये जो व्हील है ये भी 716 का है, और बाकी ये जैक वगैरह और शॉर्ट चेसिस CJ3B, वो सब कुल मिला के ये जो टेक्निकल जो हमें टीम BHP में हमने बातें की थी, क्वेश्चन आंसर हमारे हुए थे, उस हिसाब से ये गाड़ी बनानी थी, तो वो कंप्लीट बन के आ गई है। और परफॉर्मेंस मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं 60-70 किलोमीटर अभी चला चुका हूँ, तो एकदम परफेक्ट, जैसे कि पेट्रोल गाड़ी हो ऐसा है उसका आवाज़ है, साउंड अगर आपने सुना अभी, एकदम परफेक्ट साउंड है। तो जो टीम BHP में हमने जो क्वेश्चन आंसर करके जो इन्फॉर्मेशन ली थी, जो हमें ज्ञान मिला था कि सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, जो कॉम्बिनेशन था है, वो कंप्लीट होके आ गया है। तो जीनियस जीप मॉडिफिकेशन में क्या मेज है टीम BHP में? हाँ, BHP के मेंबर्स हमें किस नज़र से अब देख रहे हैं या सोच रहे हैं हमारे बारे में, ये भी थोड़ा सा हाँ अपना रिव्यू दीजिए। तो ये जो डिटेल है, अभी गाड़ी आज आया है, तो अब ये सब डिटेल अपलोड होगा, सब इन्फॉर्मेशन सभी जगह शेयर किया जाएगा टीम BHP में, उनके बाद उनका रिव्यू आएगा और इनका भी हम एक अलग से वो वीडियो भी बनेगा, वो भी उसमें अपलोड होगा, तो उसके हिसाब से ये जो हमने कहा था वो सब हो गया है कंप्लीट। तो अब उसका ऑफ रोडिंग करेंगे, इन्होंने भी किया है, एक वीडियो बना है, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ, वो भी करेंगे, तो सब सेटअप तो परफेक्ट हो गया है, तो अभी कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। ओके दोस्तों, तो आपने टीम BHP के बारे में भी जाना, टीम BHP क्या चीज़ है, और आप ऑनलाइन जाके सारे जो देख सकते हैं वीडियो, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। टीम BHP एक वो साइट है जहाँ पे नई गाड़ियों की कंपनियों की जो रिव्यू किए जाते हैं, उनमें क्या खामियां, क्या क्या उसमें खासियत है, वो उसमें चेक किया जाता है दोस्तों। अपनी गाड़ी भी उसके ऊपर एक कंपनी के लेवल पे गाड़ी बन के आया है, और उसी लेवल पे जाके ये गाड़ी का वीडियो भी और रिव्यू भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, ये था आपका आज का हमारा वीडियो, और अब तक की इन्फॉर्मेशन हमने सारी आपके साथ शेयर कर दी है, और गाड़ी के साथ हमने ऑफ रोड भी किया, गाड़ी को हम माउंट आबू भी लेके गए, पहाड़ी एरिया में भी चला गाड़ी, बारिश में भी चला, कहीं पे भी गाड़ी फेल आउट नहीं हुआ, पूरे हर एक जो टास्क में जो है गाड़ी ऑफ रोड में और पहाड़ी एरिया में हाइट पे भी है यह गाड़ी, ऊपर से पूरी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ गाड़ी चढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, अपने निमेश बालाजी का रिव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएँ।
और उसके बाद गाड़ी का कलर, गाड़ी की जितनी भी कॉम्बिनेशन है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।